दंगे भड़काऊ हो सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खतरे में आ सकती है राज्य में। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आ रही है कि बहुत सारे राज्यों में भी इसको दिखाया जा रहा है, कहीं पे कुछ अभी इस तरह की घटना नहीं आई है, आपकी कहना है? मेरे आपके सवाल की जवाब आपने खुद दे दिए। पश्चिम बंगाल अलग से कोई देश तो है नहीं, भारतवर्ष की हिस्सा है। बॉर्डर में जो सब मुझे आज एक न्यूज़पेपर मिला, न्यूज़पेपर कटिंग, नॉर्थ बंगाल से लोग जा रहे हैं आसाम में फिल्म देखने के लिए। सोचिए, ये फिल्म मैंने बनाने के समय में ऐसा नहीं सोचा था कि नॉर्थ बंगाल कुछ भी आप जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार से यंग पीपल जा रहे हैं धुबरी में जाके फिल्म देखने के लिए। तो आप बताइए, भारतवर्ष में मैंने बताया अभी थोड़े देर पहले ऑलमोस्ट 2000 प्रिंट हमने निकाले हैं, जिसकी 10 से 12 हजार 13 हजार शो हो रहा है एवरी डे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं कोई हॉल के सामने किसी ने एजिटेशन किया, कोई वही लोग इस फिल्म को बारे में कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने ये फिल्म को नहीं देखा। तो ये जो फैक्ट को डिस्टर्ब करने वाली बात है, पहले फैक्ट तो जानना है ना, फैक्ट जानने के लिए तो फिल्म देखना पड़ेगा, तब तो डिस्टर्ब की बात आएगी। कोर्ट में ऑर्डर दे दिया कि बंगाल में कितने जगह आप लोग स्क्रीनिंग का आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं सर? पहले तीन दिन जो शो था, जो 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख की आधा दिन करीबन 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था, जलपाईगुड़ी से लेकर सुंदरबन तक 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था और कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। जैसे लोग वेस्ट बंगाल की जो परंपरा है, जो हमारी ट्रेडिशन है, आर्ट और कल्चर के लिए हमारे दिल में जो एक महान जगह है, उसी के मुताबिक ये फिल्म शो हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ सर, जो फिल्म कल सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया पश्चिम बंगाल सरकार के इस बैन पर, लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी थिएटर पर फिल्म को फिर एक बार रिलीज नहीं की गई है। जो एग्जिबिटर्स है, सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस है, उनमें काफी अप्रिहेंशन है दे कास्टिंग एस्पर्शंस। तो इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, क्योंकि स्टे के बाद भी अगर थिएटर्स नहीं रिलीज करते हैं तो अब आप अगला स्टेप क्या लेंगे? Adding to it, this is Komalika from CNN News 18. The Hall owners is saying that pre-booking of other film slot is that those slots have already been booked, so it's not possible to provide the to start with the re-release of the film. That's what the Hall owner is saying. What do you have to say to now, that? Now the thing is, yesterday when the judgment from Supreme Court reached us, I mean you come to know that the ban has been lifted or the stay has been put to the ban of West Bengal government and Tamil Nadu government. We are exuberant and we decided that we will go to personally, we will go to Calcutta, Kolkata te ami ar ada ashbo and acha hame jis the moment hame pata chala ki ye ban lift ho gaya hai and kal aaj se Kolkata mein film dikhaya jayega, pure Paschim Bengal aur Tamil Nadu mein film dikhaya jayega, hum itne khush the na is film mein, matlab main ek bengali hu, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है, सो वी वर सो प्राउड सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। हमारे लिए ऐसा एक दुख की और सरप्राइज की एक्सप्रेशंस है हमारे बीच में। आई थिंक अदर कैन गिव हर रिएक्शन, लेकिन हमने ये सोच के नहीं आए थे, कि आज भी ये फिल्म नहीं होगा, ये इसकी क्या रिएक्शन होगा, ये हमारी प्रोड्यूसर, कोर्ट, लॉयर, ये हमारे में जरूर ये लोग कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ना कोई काम बात करेंगे। एट दिस मोमेंट जो खुशी लेके हम लोग आए थे वो काफी हद तक डाउन हो गया। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है, अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा। एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं एक ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था,
तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है. अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो जरूर चुनती हूँ. बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई दैट आई कुड बी द फेस ऑफ सो मेनी स्टोरीज कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए. एक एक्टर एक मीडियम है तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को. एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी. और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया जो रेप विक्टिम्स थे इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है. तो ये जो हम लोग नंबर्स ऐसे जैसे ऑक्शन करते हैं ना एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000, 32,001, 32,002 तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्चुअल स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू. उतना तो हम लोग आई एग्री ये मूवी में हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट को स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली. अगर टेररिस्ट की जो लोग हैं कॉम है हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं. बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचें कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को गैंग रेप कर रहे हैं. 15-15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं. प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं. लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं कैप्टिगॉन और एम्फेटमीन जैसे ड्रग्स दे के उसे सीरिया लेके जा रहा है जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहे हैं. तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है. तो अगर आपने देखी नहीं हो आप डेफिनेटली देखो एंड आई एम श्योर आपको भी डेफिनेटली ये लगेगा. ममता दीदी सपोर्ट चाहिए এই মেয়েগুলো এটা তো কেউ অস্বীকার করছেন না. চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিক্টিশাস নাম্বার কিন্তু 17,000 12,000 7,000 ওমান চাকরি তো 7,000 নাম্বারও বলেছিলেন না. এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না. আমাদের স্টাডি করে দিন এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে এই ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করছেন না. সেটা করছেন যেটা যে নাম্বার নিয়ে তো যে ওই সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত. এটাই আমি আগেই বললাম যে ছবিটার প্রথম ফ্রেম থেকে লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট না কেরালা হাইকোর্ট না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেনি. তার আগে কি লাগানো হবে পেছনে কি লাগানো হবে ওটা আমার প্রোডিউসারের রেসপন্সিবিলিটি. ফিল্ম হ্যাজ নট বিন টাচ ফিল্ম হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড লোক বড় পর্দে মে দেখে বিকজ দিস ফিল্ম হ্যাজ সাম স্টেটমেন্ট ভিজুয়াল স্টেটমেন্ট অলসো আই মিন ইট হ্যাজ বিন শট ইন কেরালা ইট হ্যাজ বিন শট ইন হিন্দুকু জোন ইন ইন নর্দার্ন ফেজ ইউ নো ওয়েস্টার্ন হিমালয়া হিন্দুকু জোন মে বি শুট হুই হ্যায় সো ইট হ্যাজ আ ভিজুয়াল স্টোরি টেলিং ভিজুয়াল স্টেটমেন্ট অলসো. So I want to, that is what Bipul ji and मैं decision लिया था ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे and then we will come to OTT and moreover this film got a certification. A certification अगर OTT में आ जाते हैं ना ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं तो इसलिए we are socially conscious filmmakers. So we will definitely go to OTT but first after some time. Yeah, I think once you watch the film, there are a lot of very physically violent scenes. And as a girl, you and me were, and any other girl with, and I think women all have some sensitivity with us. But I have to say, I'm a very good director, a creative team. My co-stars also, the boys who are playing the terrorists, in real life, they were very good boys who are very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know, when you're shooting a scene that is rape, scene suppose. As a girl, you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut.
But just imagine the real life girls, no, over there, and they are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in the movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So, yes. As a filmmaker, Amar Mone Hai, I am responsible to serve all the political parties of this country, all the political ideology of this world. So, এটা তো ভীষণ দুঃখের কথা যে ফিল্ম না দেখে ফিল্মকে ব্যান করে দেওয়া, এটা খুব অন্যায় কথা। আমার মনে আছে কিছুদিন আগে বিবিসির ডকুমেন্টারি ব্যান করা নিয়ে সব থেকে বেশি আওয়াজ আর শুনতে পেয়েছিল ভারতবর্ষ, তার নাম হলো মহুয়া মৈত্রজি। মহুয়া মৈত্রজি বিবিসির ডকুমেন্টারিটাকে ব্যান করার এগেনস্টে সারা ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে পদ্মাবত ছবিটা যখন ব্যান করা হচ্ছিল, সবার আগে যেই পলিটিক্যাল আওয়াজটা শোনা গেছিল সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তো আমি কি অপরাধ করলাম বা বিপুল শাহ কি অপরাধ করলো বা আদা কি অপরাধ করলো যে আমাদের ছবি না দেখে করে দেওয়া হলো, ব্যান করে দেওয়া হলো? মানে এটা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলে আমার মনে হয়। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দেশের পলিটিক্সকে কোথাও কোনো একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না। এবং আমার মনে হয় যে আমাকে ডিসক্রেডিট করা বা, কারণ এখানে আমি আর ইম্পর্টেন্ট নই বা বিপুল শাহ আর ইম্পর্টেন্ট নন, এই দেশের 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ফিল্ম দেখে ফেলেছেন। সারা ভারতবর্ষ, পৃথিবীর হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক এই ফিল্মটা দেখেছেন। সো এনিথিং টু বি ডান অন দিস ফিল্ম, এভরি হু এভার উইল ডু উইল বি রেসপন্সিবল টু দোজ পিপল হু হ্যাজ অলরেডি সিন দ্য ফিল্ম, লাইক দ্য ফিল্ম, লাভ দ্য ফিল্ম। সো যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার একটা ছবি, যদি সেই সেটা কোনো রাজ্যে না দেখানো হয়, তো আমার মনে হয় সেটা রাজ্যবাসীর জন্য একটা অসম্ভব খারাপ ব্যাপার। ওদের বঞ্চনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা প্রতিবাদ করা উচিত যে আমরা এই ছবিটা সারা পৃথিবীর লোক দেখছেন, আমরাও এই ছবিটা দেখতে চাই। জবাব ইয়ে হ্যাঁ, রোজ ইস ফিল্ম কি 12 থেকে 14 হাজার শো হো রা হ্যায় সারা পুরে ইন্ডিয়া মে, পুরে ইন্ডিয়া মে আর ইন্টারন্যাশনালি অর জ্যাদা, কহীন পে কোই এক হল কে বাহার প্রদর্শন নেই হুয়া, কিসি নে আকে হামে গালি নেহি দি। তো পশ্চিমবঙ্গ কি দুনিয়া সে বাহার কি কোই অলগ দেশ হ্যায়? ইয়ে লোগো কে বীচ মে মে কিউ আয়ে, আপ লোগো কে সাথ বাত করনে কে লিয়ে মে নেহি আতা, কোই ফরক নেহি পড়তা। मैं अगर नहीं आके आप लोगों के साथ ऑनलाइन जैसे बात कर रहे थे, आराम से कर सकते थे, आदा को आने की क्या जरूरत है? तो हमने आए मतलब हमारी जिम्मेदारी था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म आप उसको बंगाल की लोग, क्योंकि हमें लगता है ये प्रॉब्लम देशा के केरल की स्टोरी लेके आए, ये पश्चिम बंगाल का भी स्टोरी है, ये उत्तर प्रदेश की भी स्टोरी है, ये मध्य प्रदेश की भी स्टोरी है। तो ये हम सब आपस में बात करते, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता, एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग होता। हमारी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज एन आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी। वेस्ट बंगाल हैज गिवन बर्थ ऑफ सो मेनी आर्गुमेंट इन दिस वर्ल्ड इन द आइडियोलॉजिकल लेवल। क्या प्रॉब्लम हो गया इस फिल्म के साथ, ये तो मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि कौन किसकी टेररिज्म की बात करने से किसकी प्रॉब्लम होगा। हमें लोगों ने बोला है कि बाय दिस फिल्म वी हैव डन अ सर्विस टू इस्लाम, कैसे टेररिज्म इस्लाम रिलीजन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्म में उसी की कहानी बताया गया। जो लोगों ने फिल्म देख के आए, मतलब ऐसे ऐसे कहानियां आप लोगों को सुनने को मिलेगा। एक लड़का मोबाइल फोन में हॉल में फोटो फिल्म को कॉपी कर रहा था, एक मुस्लिम जापल जाकर बंद किए उसको, ऐसे भी कहानी हमारे सामने आए। सो मैटर ऑफ फैक्ट इज, आप लोगों को पास मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ली है, मेरी और विपुल शाह और आदा शर्मा की तरफ से, आप लोग आवाज उठाइए, कल की न्यूज़पेपर में लिखिए कि ये फिल्म देखना है हम, इस देश की पश्चिम बंगाल की सारे लोग चाहते हैं ये फिल्म देखनी।